हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के सबसे खतरनाक किले के बारे में बताऊंगी, जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं आता है। दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से किले हैं जो अपनी सभ्यता, संस्कृति और कला की वजह से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, पहले के समय में इसमें राजा महाराजा रहा करते थे। ये किले दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों, और कुछ किले बहुत खतरनाक भी होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको भारत के सबसे खतरनाक किलों के बारे में बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रबलगढ़ किले की। यह किला महाराष्ट्र के माथेरन और पनवेल के बीच में स्थित है। दोस्तों, पहले इस किले को मुरंजन किले के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने इस किले का नाम राली कलावंती दुर्ग के नाम पर रख दिया, जिसके चलते इस किले को कलावंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं और सूर्यास्त होने के पहले ही लौट जाते हैं। दोस्तों, सूरज अस्त होने के बाद यहाँ कोई भी नहीं आता है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ बिजली पानी की फैसिलिटी भी नहीं है। शाम होते ही यहाँ मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है। दोस्तों, यह किला बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण इसकी सीढ़ियाँ चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए ना तो किसी प्रकार की रस्सी है और ना ही रेलिंग है। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक किला है। इस किले की सीढ़ियों के नीचे 2300 फीट की खाई है। दोस्तों, अगर चढ़ाई के दौरान आपसे चढ़ने में जरा सी भी चूक हो जाती है तो आप सीधे इस खाई में नजर आएंगे। इस किले से गिरने के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बहुत खतरनाक है ये, इसलिए जब भी आप इस किले में जाएं तो सावधानी से जाएं, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस किले से आप चंदेरी, माथेरन, करनाल और ईशन किले को आराम से नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ जाने का आपको बेस्ट टाइम बताती हूँ। तो अक्टूबर से मई का बहुत ही बेस्ट टाइम है जाने का। इस बीच आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं दोस्तों, लेकिन बारिश के दिनों में चढ़ाई काफ़ी खतरनाक हो जाती है, इसलिए लोग इस टाइम पर आना पसंद नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कितना खतरनाक किला है ये भारत का। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है, ऐसे किलों में जाना पसंद है, तो आप एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सेफली जाना होगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।